वीडियो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वेरी अमेजिंग ब्लू कलर का रेस्टोरेंट RX100 जो अपने समीर भाई ने बनाया है, सो बिग थम्स अप टू दैट। एंड ये बाइक बिलोंग करता है अपने अशु भाई को, जो है अपने वेरी वेरी काइंड सब्सक्राइबर जो आए हैं ऑल द वे फ्रॉम गुजरात से आए हैं भाई, बॉर्डर। यस, तो गुजरात बॉर्डर से आए हैं भाई एंड उनका ये गाड़ी है। सो अभी मैं दोनों से क्वेश्चन करेगा कि ये किधर से आए हैं, कैसे गाड़ी लेके आए हैं एंड इन्होंने भी कैसा गाड़ी बनाया है एंड इसमें क्या क्या काम हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू कैन सी, दिस इज द बाइक। क्विकली आप लोग को जरा मैं दिखा दूँ एक ओवरव्यू। एंड अभी अपन आशु भाई से पूछेंगे। सो आशु भाई, आपको कैसा पता चला समीर भाई का वर्कशॉप के बारे में? सर, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। अच्छा, आपके चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है। हाँ। आपके कुछ वीडियोस देखे, वहाँ पर इनका भी एक वीडियो था। वो वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे अच्छा प्रीमियम वर्क होता है, इसलिए मैं गुजरात बॉर्डर से यहाँ पर इसको पिकअप में डाल करके यहाँ लेकर के। एंड आप अभी बता रहे थे आपको कितना खर्चा हुआ है गाड़ी को लेकर आने को इधर? लेकर आने में 6,500। अच्छा, तो टोटली मतलब इतना खर्चा हो गया सिर्फ गाड़ी यहाँ पे लेके आने के लिए। एंड बाकी आपका गाड़ी मतलब कैसे कंडीशन में था और आपने रिस्टोर करने का क्यों सोचा? गाड़ी ठीक था पर मुझे पेंट पसंद नहीं था उसका। पेंट अच्छा। बहुत बहुत जगह पर निकला हुआ था। हाँ। और इंजन में प्रॉब्लम था, इंजन को बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा, तो मतलब आपका मतलब एक आइडिया था कि इसको पूरा टोटली ब्रांड न्यू कर देंगे इसको। सो अभी अपन समीर भाई के पास आएंगे, जो मेन अपने कारागिर है, मास्टर मैकेनिक, जो जिन्होंने पूरा ये गाड़ी के ऊपर काम किया है। सो समीर भाई, प्लीज़ बताइए कि आपने कैसा काम किया एंड इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, अगर कुछ रहा है तो। इसमें इनका सबसे पहले तो चेसी बैंड था, पीछे से पूरी ट्विस्ट हुई थी। अच्छा, उसको मैंने दो बार खोल के पूरा फिट करके वापस सीधा करा दिया है। तो पीछे से मड़गार पूरा ऐसा ट्विस्टेड दिखता था। हां हां, ट्विस्टेड दिखता था, करेक्ट। और सीट एक साइड से ऊपर और नीचे लग रही थी। अच्छा, वो सब था। फिर इनका किक का, किक शाफ्ट का बार बार दो तीन किक मारने में स्प्रिंग का निकलने का प्रॉब्लम्स था उसमें। अच्छा। शाफ्ट स्प्रिंग बिंग सब कुछ उन्होंने उधर नया डाला। अच्छा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया। इनका ब्लॉक स्लीव था, उसमें पोर्ट्स मैच बराबर नहीं थे, री स्लीविंग किया है ब्लॉक और उनको 50 नंबर का पिस्टन डाल के दिया। अच्छा, थोड़ा पावर चाहिए उसके लिए। अच्छा, हेड खराब था, हेड भी रिपेयर करा दिया। अच्छा, पूरा फिनिशिंग। एंड बाकी इसके अंदर मतलब और क्या क्या काम हुआ है? गाड़ी पूरा ओवरऑल रिपेंट किया, पूरा डिसमेंटल करके सब बोल्ट इसके क्रोम करवा दी है अच्छी तरह, और बाकी सब फैक्ट्री पार्ट्स है, मतलब टैंक वगैरह सब कुछ। टैंक वगैरह सब उनका जो जूना था उसको ही रिफर्निश किया, करेक्ट। वही मतलब प्रेफरेबल है कि जो है रहता है गाड़ी वही रिपेयर, कंपनी का जो आता है उसको ही जितना ट्राई कर सकते हैं रेस्टोर करने का उसको। स्पोक्स मैंने स्टेनलेस स्टील डाल के दे दिए ताकि आगे उनको बदली करने की जरूरत नहीं पड़े। स्टेनलेस का स्पोक्स है इसके अंदर। बाकी इसका कुछ ड्रॉबैक है ऐसा मेरे को सुनने को आया है कि ये कुछ चटक जाता है अगर ज्यादा इम्पैक्ट, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर? ओके ओके, नाइस। तो मतलब अभी ये लाइफ टाइम हो गया, इसके अंदर कभी अभी रस्ट नहीं लगेगा ये, भले 5 साल के बाद वो खोल के अगर दूसरा रिम भी डालना है तो खोल के साफ करके वापस लगा, वही स्पोक्स फिर से भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम बफ करना पड़ेगा। अमेजिंग। सो वो आप लोग ने सुन लिया, फिर उसके बाद आरडी के स्टे बना के डाले है। अच्छा, आरडी जैसे स्टे, करेक्ट, मेटल स्टे। ओके, बाकी आप लोग देख ही सकते हैं पूरा गाड़ी टॉप टू बॉटम ब्रांड न्यू है एकदम, एंड स्टॉक कंडीशन में ही इसको रखने को ट्राई किया गया है। एंड और कुछ गाड़ी के बारे में? उनको ग्लिटर्स थोड़े ज्यादा चाहिए थे लेकिन वो दिखने में अच्छे नहीं दिखते, करेक्ट, इसके लिए मैंने कम ग्लिटर, बारीक ग्लिटर्स। बराबर बराबर, एकदम फाइन फिनिश आनी चाहिए, करेक्ट करेक्ट। बाकी और कुछ छोटा मोटा टच अगर कुछ आपने दिया रहेगा जो स्टॉक से नहीं है, जैसे कि ये हो गया एक चीज मैंने देखा, ब्लॉक को उनको फिनिश ब्लैक और वो क्रोम फिन्स दिखना चाहिए था, इसके लिए वो उसको वैसा कर दिया। नाइस नाइस। सो दिस वाज ऑल, ये पूरा गाड़ी ऐसा कंडीशन में बनाया गया है। पेट भी उनको स्टेनलेस स्टील में बना के दिया है ताकि वो भी आगे चल के कुछ प्रॉब्लम नहीं दे। नाइस, ये भी आगे पीछे का ये समीर भाई का टच रहता है, उनका हर गाड़ी का जो भी रेस्टोर करते हैं उसका नंबर ऐसे ही रहता है। अभी ये है यश का गाड़ी, तो इस पर भी आप लोग देख ही सकते हैं फॉन्ट एंड स्टाइल एक है, मतलब हर एक गाड़ी का जैसा एक यूनिक टच रहता है हर एक मैकेनिक का, वैसा इनका भी एक अलग यूनिक टच है। या उनका ये सिग्नेचर नंबर प्लेट है भाई का। केमिस्ट शॉप है, क्या है उसके बारे में जरा डिटेल? अच्छा, तो जो भी रहेंगे ज़रूर जाके इनका विजिट करिए। थैंक यू। सो दिस वाज ऑल गाइस, ये थे अपने समीर भाई जो है इसके मास्टर मैकेनिक, पूरा गाड़ी का काम किया। एंड ये थे अपने आशु भाई जो आए ऑल द वे फ्रॉम गुजरात। सो थैंक यू भाई, वीडियो देख के आए। एंड आई होप आप लोग को आपको पसंद आया रहेगा ये वाला बिल्ड, आप सेटिस्फाइड रहेंगे एकदम, मज़ा आ गया।
तो वही चाहिए, कस्टमर खुश है तो और क्या चाहिए। हाँ। ऐसा तो पैसा तो हर जगह पे जाता है एंड बहुत जगह पे गलत भी चला जाता है, तो अपन वो कंट्रोवर्सी में घुसेंगे नहीं, कौन कितना लेता है क्या लेता है। सो या सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया रहेगा एंड ये वाला ब्लू RX 100 देख के आपको एकदम मजा आ गया रहेगा। ये थे समीर भाई, ये थे आशु भाई एंड वी होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ। चलते हैं। मैं बात करता हूँ रहे।